नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ डिफेंस एंड हेल्प। दोस्तों बहुत दिनों से मेरे पास एक डिमांड आ रही थी कि सर हमें बेली फैट कम करने का वीडियो बना के बताओ। बेली फैट मींस ये तौम जो हमारा पेट निकलता है, लोगों का पेट निकला हुआ है, उस पेट को हम कैसे कम करें, उस बेली फैट को हम कैसे कम करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रुचि जौहरी के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं, अपनी तौल कैसे कम कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको फॉलो करके आपकी तौल या आपका बेली फैट तुरंत कम हो जाए और आप भी बोले कि वीडियो देखा तो देखा पर ऐसा कभी नहीं देखा। तो स्टार्ट करते हैं रुचि जौहरी के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताऊंगी आपको एप्स यानी टमी के बारे में। हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं वो टमी फैट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी के लिए टमी फैट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इस टमी फैट को कैसे कम कर सकते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बेसिकली जो टमी फैट है उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज मैटर करती है। आप लोग दिन भर सारी चीज़ें खाते हैं और सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा या टमी फैट कम हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यदि आप अपने वेट लॉस या टमी फैट के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ के लोगों का जो नाश्ता है वो सबसे बेसिक नाश्ता होता है पराठे कचौड़ी समोसा, जिसकी वजह से क्या होता है तला भुना खाने से हमारा वजन बढ़ जाता है, हमारा जो टमी का फैट है वो बढ़ जाता है। तो यदि हमें अपना टमी फैट कम करना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें पहली चीज़ कि हमें तला भुना खाना ये हमें कम करना होगा, शुगरी फूड शक्कर इससे हमें दूर रहना होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर पेटीज और बहुत सारे इस तरह के जो फ्राई फूड्स खाते हैं उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना टमी फैट कर सकते हैं कम। तो हमें क्या करना है, प्रोटीन डाइट जो है उसे इंक्रीज करना है, फाइबर्स को बढ़ाना है। अब प्रोटीन किससे मिलता है, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, बॉयल्ड चने हो गए, एग हो गया, इन सब में होता है प्रोटीन। दूसरा आपके लिए जो मैं कह रही हूँ फाइबर्स, फाइबर्स में आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं और कार्ब्स की मात्रा को कम आपको करना होगा। तो मैंने आपको बताया 80% डाइट, अब 20% एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ एप्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे 20% एक्सरसाइज। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल सेल्फ डिफेंस एंड हेल्थ के लिए नए हैं और आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपको बताना कि टमी के लिए हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी है। तो हम टोटल 5 एक्सरसाइज करेंगे जिसके हम 20 रिपीटेशंस करेंगे और 3 सेट बनाएंगे। टमी की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर बैठ जाएंगे, एक मैट बिछा लेंगे और कोई भी एक चीज़ आपको एक सामने रखनी है और हम ये जो एक्सरसाइज करेंगे इसके 20 रिपीटेशन करेंगे और हमें 3 सेट करने हैं। मैं आपको एक सेट बताऊंगी लेकिन आपको घर पर जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसके 3 सेट करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। आपको पहली एक्सरसाइज के लिए इस पोजिशन में बैठना है और अपने पैरों को आगे की तरफ पुश करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज में जिसके टमी फैट बहुत ज़्यादा है, टमी कम करना है, तो मैं इस तरह से पोजीशन में बैठी हूँ, आपको इस तरह से पोजीशन में बैठना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और आपके लेग्स को आपको 30 डिग्री के एंगल पर उठाना है। 1, 2, 3, 4 या 20 बार करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20। थर्ड एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इस पोजीशन में बैठेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, सीधे लेट जाना है। लेटने के बाद अपने लेग्स को 30 डिग्री पर हम उठाएंगे और सीजर यानी कैची की तरह अपने हमें पैरों को 20 बार चलाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फोर्थ एक्सरसाइज में हम सीधे लेट जाएंगे और अपने लेग्स को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे और इस तरह से हमें अपने हाथों को उठाना है और फिर नीचे जाना है। इनहेल, बैक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिफ्थ एक्सरसाइज में ये मेरा भी पोजिशन है, हमें उल्टा लेटना है। इस तरह से हम लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को हमें इस तरह से रखना है और इनहेल एक्सहेल ये हमें 20 बार करना है और हमें फास्ट करना है, धीरे धीरे नहीं करना, आपकी सांस की आवाज आनी चाहिए ये करते हुए। फ्रेंड्स, यदि आप अपना टमी फैट या फिर जिसे निकला हुआ तौंद कहते हैं इसे कम करना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई ये 5 एक्सरसाइज फॉलो करिए, इनके 20 रिपीटेशन करिए 3 सेट करिए और आप खुद 1 महीने बाद महसूस करने लग जाएंगे कि आपका टमी फैट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिकॉज टमी फैट को कम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो हमें इसके लिए पेशेंस रखना होगा और लगातार इन एक्सरसाइज को करना पड़ेगा जिससे हमारा टमी फैट कम हो जाए। धन्यवाद।